मालेगांव कारपोरेशन बदनवाने का मरकज बनते गया और उसमें स्कूल बोर्ड जो था बस 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 वो पिछले 6 सालों से एक करप्ट ऑफिसर FW चौहान जो 2017 से कारगुजार प्रशासन अधिकारी बोल के मालेगांव शहर में आए। प्राइमरी का निज़ाम आप अगर 20 साल पहले का देखेंगे और इन 20 सालों में देखेंगे तो ज़मीन आसमान का फर्क पड़ गया। आज कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा कारपोरेशन की प्राइमरी स्कूलों में तालीम हासिल करे, जबकि सरकार से कारपोरेशन से करोड़ों रुपया इन स्कूलों पर खर्च होता है। पेंशन और असातिज़ा की पगार मिलाकर तकरीबन 60 से 65 करोड़ रुपया सालाना खर्च है। इसके अलावा यूनिफॉर्म, किताबें, स्टेशनरी के लिए पैसा, इतना पैसा प्राइवेट स्कूलों को भी नहीं मिलता होगा जितना प्राइमरी के स्कूलों को मिलता है, मगर उसके बाद भी तालीमी मेयार दिन ब दिन खराब से खराब तर होता जा रहा है और कोई उस पर तवज्जो देने वाला नहीं। पिछले 5-6 सालों में तकरीबन 10 प्राइमरी स्कूलें बंद हो चुकी। आज के हालात ऐसे है कि 8 से 10 प्राइमरी स्कूलें और बंद होने वाली है। हदवाड़ मिलाकर आज की तादाद 80 है प्राइमरी स्कूलों की और तकरीबन 16,000 बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि कोई लीडर उस पर तवज्जो नहीं देता। वो तवज्जो नहीं देता ये अलग बात है, उनको समझता ही नहीं कि प्राइमरी निज़ाम क्यों ज़रूरी है या प्राइमरी कारपोरेशन की तालीम के लिए अच्छा मेयार उसका हो वो क्यों ज़रूरी है। ये लीडरान इस शहर में समझने ही नहीं चाहते, क्योंकि अगर उनको समझे और प्राइमरी निज़ाम दुरुस्त हो तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीबों का होगा। आज गरीब के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जो पैसा लिया जाता है, कहीं पर तो बहुत ज़्यादा लिया जाता है, वो इतना देने के काबिल नहीं होते और परेशान रहते हैं, इधर घूम उधर भटक, इधर आ इधर जा। ऐसे हालात में जो AO था वो दिन ब दिन निज़ाम को दुरुस्त करने के बजाय उसमें भ्रष्टाचार कर रहा था। असातिज़ा भी कहीं ना कहीं उससे परेशान थे कि कहीं किसी का ट्रांसफ़र कर दे 10,000 रुपया लेकर, फिर वही ट्रांसफ़र वापस करने के लिए 10,000 रुपया मांगे। इस तरह से वो खेल खेला करता था और होटलों पर बैठकर, कभी स्कूल बोर्ड नहीं आता था, हाईवे की होटलों पर बैठकर सारी डील करता था। उसी की एक मिसाल, एक मामला हुआ था नवीद अहमद सगीर अहमद नवीद मास्टर का। उसने आर्म एक्ट लगाया कि उसको पिस्तौल दिखाई गई। उस वक्त ही कोर्ट से हमने, वो हमारा दोस्त है, हमारे घर का आदमी है, हमने एंटीसिपेटरी कोर्ट से ले ली थी, बिल्कुल झूठी फरियाद थी। वो AO की जब डील पैसों की नहीं होती थी तो लोगों को फंसाने का काम करता था। ऐसे भ्रष्ट AO के खिलाफ उसको सिर्फ सस्पेंड नहीं किया गया, आगे उस पर FIR होंगी। उसको यहाँ तक कहा गया कि कोई रिटायरमेंट के बाद वो कहीं पर प्राइवेट जगह पर सर्विस नहीं कर सकता, कोई ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे इस केस में किसी की मदद हो। ऐसा सख्त फैसला उसके खिलाफ हुआ है। इससे पहले भी हमने कारपोरेशन के कई अधिकारियों को सस्पेंड करवा चुका है, उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करवा चुके हैं और इस मामले में कई लोगों ने AO के खिलाफ तकरार की थी। पहली तकरार जो थी वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की तरफ से की गई थी, जो कि मेंशन है 13 फरवरी के लेटर में। उन्होंने तकरार दी थी 23 अगस्त 2022 को। अब वो तकरार की क्या पोजीशन है ये मुझे नहीं मालूम, उनकी तकरार कायम है कि नहीं है इसका इल्म मुझे फिलहाल नहीं है। दूसरी तकरार थी शान हिंद निहाल अहमद विरोधी पक्ष नेता, उसी के साथ में एजाज बेग अजीज बेग की, जो कांग्रेस के सदर हैं, उनकी तकरार थी AO के खिलाफ। और एजाज बेग की तकरार जो है वो मेरी मालूमात में है, वो तकरार कायम है। और इसी तरह कई लोगों ने AO के खिलाफ तकरार की। हमारा बोलना आगे भी यही है कि आज की जो पोजीशन है उसमें जो कारगुजार AO फिर आया है विशंबर लक्ष्मण, हम चाहते हैं कि सरकार से ऐसी नुमाइंदगी हो कि पिछले 10 सालों से सिर्फ कारगुजार AO के आने की वजह से तालीमी मेयार दिन ब दिन खराब हो रहा है, असातिज़ा को हर वक्त तकलीफ होती है, असातिज़ा को नासिक से लेके हाईवे की होटलों पर जाकर अपना काम काज करवाना पड़ता है,
तो नुमाइंदगी इतनी दमदार होना चाहिए कि ये कम से कम हम ये तो बोल सके कि यार 16,000 बच्चे जो स्कूलों में हैं वहाँ एक कंपलसरी प्रशासन अधिकारी हमको क्यों नहीं दिया जाता। सरकार से ये मांग हम भी करेंगे, मगर आज जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन पर यह अव्वल फर्ज है कि वो इस मामले में काम करें और एक कंपलसरी है वो इस शहर में लाए ताकि तालीमी मियार सुधरे, क्योंकि तालीम प्राइमरी कॉरपोरेशन की तालीम से गरीबों के बच्चे जुड़े हुए हैं। आप अगर देखेंगे आज के जो डॉक्टर्स वगैरह जो 20-25 साल पहले डॉक्टर बने, टीचर बने, बड़े बड़े शायर हुए, इन सब लोगों ने मालेगांव कॉरपोरेशन की प्राइमरी स्कूल से तालीम हासिल की थी, मगर आज हम क्यों प्राइमरी स्कूल की तरफ नहीं जाते जबकि उनके पास बिल्डिंग है, उनके पास ज़मीन है, हर सब कुछ है, मगर प्लान नहीं है, काम करने वाले ऑफिसर नहीं है, काम लेने वाले लीडरान नहीं है, इसलिए तालीमी मेयार दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। ऐसे वक्त में कंपलसरी एओ चाहिए, क्योंकि कारगुजार एओ अगर वापस रहा तो फिर यही सब छचन होंगे, यही सब करप्शन होगा, यही सब बदनवानी होंगी जो कि तालीमी मेयार में मुनासिब नहीं है। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जो कॉरपोरेशन में भी आज बैठे हैं उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कोई भी लीडर करे, जब तक हम इस तरीके से कामकाज नहीं करेंगे कि अधिकारियों ने इस शहर को बर्बाद कर दिया। आप आज देखेंगे 100 करोड़ 110 करोड़ का हमारा जो फंड था, ठीक है उस पर मैं इससे पहले बहुत बोल चुका, नदी के उस पार बजट ज़्यादा गया, हमको बहुत मामूली मिला, मगर फर्क दूसरा भी हर वक्त हमारे सामने होता है कि उस तरफ कमिश्नर के बंगले के पास रोड बन रही है, एबीएच लॉ कॉलेज की रोड खोदी जा रही है, जबकि उसकी आज ज़रूरत बनाने की फौरन नहीं थी। तुम्हारा मोतीबाग नाके से रोड आ रही है, ब्रिज तोड़ के बनाए जा रहे हैं, जो 2-3 काम हमको ऐसे ही दे दिए, भीख में दे दिए हमारा 40 करोड़ लेकर, तुम मिर्जा गालिब रोड देख लो, तो अधिकारियों को ये सब चीज़ नहीं दिखती। क्यों दबाव लीडर का नहीं पड़ रहा है प्रशासन पर? उद्घाटन सबसे पहले हमारे इधर हुआ, मगर प्रशासन पर दबाव क्यों नहीं पड़ रहा है कि यार तुम 2 रोड हमारे इधर दिए हो, 3 रोड कम से कम वो तो पहले बना दो। बारिश आने वाली है, खस्ता हाल रोड है, केबीएच लॉ कॉलेज 4 महीने बाद भी बनेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ना वहाँ पानी जमा होता है, अच्छी रोड है, ठीक है वो तो 2500 अब नदी के उस पार होने लगी है, उस पर मुझे अभी कुछ नहीं बोलना है, मगर जो काम हम दिए हैं रमजानपुरे की 3 रोड उस 100 करोड़ में है, वहाँ भी टीकम लगा दिए, रोड का काम नहीं शुरू करते, इधर एक साथ सारे काम शुरू होते हैं, तो ये फ़र्क इसलिए है कि अधिकारी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, हमारे लीडरों का दबाव उन पर नहीं पड़ रहा है। मेरे पास कॉपी नहीं है 2023-08-2022 का संदर्भ में जो अभी ऑर्डर निकला उसके संदर्भ में आए कि किसने किसने तकरार की थी, तो उसमें मैंने देखा कि उनकी भी तकरार इसमें दिख रही है।